शामली के गठमाला खाप के थाम्बेदार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने गांव बलवा बाईपास में रेलवे फ्लाईओवर और अन्य गांवों के लिए रिंग रोड की मांग करते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। सोमवार को गढ़वाला खाप के थाम्बेदार बाबा श्याम सिंह के साथ साथ गांव बलवा, रसूलपुर, गुजरात, ब्रह्मखेड़ा, मालीपुर निवासी दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया और बताया कि गांव बलवा में रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, लेकिन गांव बलवा और अन्य गांवों के लिए रिंग रोड नहीं मिली है, जबकि ये रास्ता जनहित के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते लोगों को खेत जाने में कई किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। इसके चलते कई गांव के लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। किसानों ने जिलाधिकारी से रेलवे फ्लाईओवर से गांव बलवा की तरफ रिंग रोड दिए जाने की मांग की है। भाई जो पुल बने यहाँ से बढ़ गए, अंडरपास भी हो गया, सारा काम हो गया, पर इसकी बराबर में जो सर्विस रोड है वह नहीं दे रहे। उसमें ही आज हम यहाँ आए, उसे लेने की मांग है। शासन प्रशासन की भी बात करें और हाईवे उसके बाईपास के बराबर में जो सर्विस रोड उसके कई दिन से धरना के आंदोलन रहते हैं, आठ दिन हो गए, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है अभी तक? सुनवाई तो आपको सारा पता, सुनवाई का तो कितने सुनवाई हो रही है, कितने काम हो रही है। जनता अपने हिसाब से बैठेर और उठ के चली जा, शासन प्रशासन उसमें कोई भी अपना कार्य अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार के लिए सब बराबर है, सरकार को चाहिए अभी जनता की सेवा हो। आगे की क्या रणनीति है? रणनीति तो यही है, एडीएम साहब से बात करेंगे, डीएम साहब तो है नहीं, एडीएम साहब से बात होगी, जैसे भी मैं आश्वासन जो भी कहेंगे उसी के आधार पर अगली कार्रवाई करी जाएगी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।